सोलन के समीप धारों की दार में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में करीबन 7 लोग सवार थे। ये सभी पास के गांव में एक शादी समारोह में जा रहे थे कि अचानक चढ़ाई में चालक पिकअप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इसके चलते पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गांव में इस खबर से मातम सा छा गया। खबर मिलते ही जिला प्रशासन भी क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचे और घायलों को फौरन ही राहत प्रदान की। सोलन के समीप धारों की धार में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में करीबन 7 लोग सवार थे। ये सभी पास के गांव में एक शादी समारोह में जा रहे थे कि अचानक चढ़ाई में चालक पिकअप पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गांव में इस खबर से मातम सा छा गया। खबर मिलते ही जिला प्रशासन भी क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचे और घायलों को फौरी राहत भी प्रदान की। इस मौके पर अस्पताल पर पहुंचे तहसीलदार गुरमीत सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वे मौके पर पहुंचे तो यहां पाया गया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है उसकी मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को 25,000 की फौरी राहत प्रदान की गई और वहीं घायल व्यक्ति को 5,000 की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अभी घटना किस कारणों के कारण हुई है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।